अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे आज ई कल्याण में हम न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो हम ई कल्याण वाले साइट में हम जाएंगे और ग्रीन वाले पट्टी यानी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और स्टूडेंट का यानी कैंडिडेट का आधार नंबर हम इसमें एंटर करेंगे। और इसमें जब हम आधार नंबर एंटर करेंगे उसके बाद स्टूडेंट नेम्स और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट हो जाएगा आपको करना होगा और मोबाइल नंबर डाल के जो है वेरीफाई पे हमें क्लिक करना होगा, ठीक है। और ये वेरीफाई हो जाएगा हम ऊपर में ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से एक बार डाल के देख लेते हैं, ये हमारा जेंडर रहा, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ जो है वो हमें सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद जो है वो हमें मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेनी है, मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है जो हम अपना रजिस्टर करना चाहते हैं, फिर ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा डिटेल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद फादर नेम हमें इंटर करना है, उसके बाद जो है वो हमें मेल आईडी और पासवर्ड हमें बनाना होगा। पासवर्ड वो एज योर वॉइस आप जिस तरीका से रखें, तो हम ईमेल आईडी इंटर कर लेते हैं, ठीक है, जो ये हमारा ईमेल आईडी रजिस्टर हो जाएगा। और फिर हम दोनों पासवर्ड हम इंटर करेंगे, तो पासवर्ड जो है वो ऊपर नीचे यानी दोनों में सेम रहनी चाहिए, ठीक है। वो करने के बाद जो है वो अच्छा तरीके से हम पासवर्ड देख लेंगे, है ना। ऊपर में इधर दाहिने साइड में आपको पासवर्ड का इंस्ट्रक्शन दिया है कि किस तरीके से पासवर्ड इसमें एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये सब जो है वो करने के बाद जो है वो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ये सब करने के बाद हम नीचे कैप्चा जो है वो पीला पट्टी वाला हम इसमें डाल लेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। और अभी हमने जिस नंबर को डाला था थोड़ी देर पहले आधार नंबर डालने के बाद, तो उसी में जो है वो हमारा जो है वो ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पासवर्ड मिसमैच था, तो हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ये हमारा ओटीपी आ जाएगा, ठीक है। ओटीपी आने के बाद जो है वो हम इसमें ओटीपी डालेंगे और फिर जो है वो रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। ये रजिस्टर होने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली लिखेगा और देन फिर हमें इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के हम यहाँ कैंडिडेट लॉगिन पे जाके पोस्ट मैट्रिक विथ इन स्टेट पे जाके, ठीक है, इसमें हम अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे जो हमने दिया था। और उसके बाद जो पासवर्ड हमने पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों में हमने डाला था, उस पासवर्ड को हमें इसमें डालना है। फिर कैप्चा ये हमें सॉल्व करना है, डालना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। और जो है ये हमारा जो है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अस्सलाम वालेकुम।